हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएसटी एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं बीएससी पैरामेडिकल 2024 का पेपर सॉल्व। उत्तराखंड बीएससी पैरामेडिकल का पेपर हुआ था अभी 15 जून को, तो हम इसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें जो 50 क्वेश्चन हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के पूछे गए हैं, जो सेक्शन ए है, और जो सेक्शन बी है वो 50 क्वेश्चन बायो के होंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। सेल से कितनी धारा खींची गई है? क्या इसका टर्मिनल संभावित अंतर इसके ईएमएफ का आधा होगा? एन ईएमएफ ऑफ अ सेल इज़ 1.5 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस इज़ 1 ओम। फॉर व्हाट करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बी हाफ ऑफ इट्स ईएमएफ? ऑप्शन नंबर ए 0.75 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.56 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.57 एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी 0.65 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.75 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू, जंक्शन पर किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है? किरचॉफ्स करंट लॉ एट अ जंक्शन डील्स विद, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी गति का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन सी कोणीय गति का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ऑप्शन नंबर डी आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ्स करंट लॉ एट अ जंक्शन डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज, आवेश के संरक्षण के नियम से संबंधित होता है किरचॉफ का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, गतिज ऊर्जा 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन 0.2 मिली टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत चलता है। चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की समयावधि समयावधि की गणना करें। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 मिली टेस्ला। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए 1.25 × 10⁻⁷ सेकेंड, ऑप्शन बी 1.79 × 10⁻⁷ सेकेंड, ऑप्शन सी 1.90 × 10⁻⁷ सेकेंड और ऑप्शन डी 1.99 × 10⁻⁷ सेकेंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा था 1.785 × 10⁻⁷ सेकेंड। तो 1.785 × 10⁻⁷ सेकेंड ऑप्शन में नहीं है, तो हम देखेंगे जो इसके सबसे ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू होगी उसी को हम आंसर मानेंगे। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू है वो है 1.79 × 10⁻⁷ सेकेंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1.79 × 10⁻⁷ सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, एक ही समय दिशा में 8.0 एम्पियर और 5.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाले दो लंबे और समानांतर सीधे तार ए और बी को 4.0 सेंटीमीटर की दूरी से अलग किया जाता है। तार ए के 10 सेंटीमीटर भाग पर बल का अनुमान लगाएं। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करेंट्स ऑफ 8.0 एम्पियर एंड 5.0 एम्पियर इन द सेम टाइम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। ऑप्शन ए 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, ऑप्शन बी 4 × 10⁻⁵ न्यूटन, ऑप्शन सी 6 × 10⁻⁵ न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी 8 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यह अनुभव करता है। अ मैग्नेटिक नीडल इज कैप्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर ए, एक बलाघूर्ण लेकिन एक बल नहीं। ऑप्शन बी, न कोई बल न कोई बलाघूर्ण। ऑप्शन सी, एक बल और एक बलाघूर्ण। ऑप्शन डी, एक बल लेकिन बलाघूर्ण नहीं। तो जब एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अनुभव करता है एक बल को और एक बलाघूर्ण को, यानी कि एक फोर्स को एक टॉर्क्यू को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ फोर्स एंड अ टॉर्क्यू, एक बल और एक बलाघूर्ण को ये अनुभव करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार की सामग्री में चुंबकीय संवेदनशीलता तापमान पर निर्भर नहीं करती है? इन विच टाइप ऑफ मटीरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऑप्शन ए प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर बी अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन सी लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर डी फेराइट। तो तापमान पर निर्भर नहीं करती है वो चुंबकीय संवेदनशीलता है प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन ए डायमैग्नेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायमैग्नेटिक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? लेंज लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ऑप्शन ए ऊर्जा एनर्जी। ऑप्शन बी आवेश चार्ज। ऑप्शन सी द्रव्यमान मास। और ऑप्शन नंबर डी गति या मोमेंटम। तो जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का परिणाम है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सिक्वेंसेस होगा लेंज का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8। जब किसी वक्र में धारा 0.8 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। वक्र का स्वप्रेरकत्व है। व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन जीरो When current in a coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 0.1 second, average voltage of 50 volt is produced. The self-inductance of the coil is option A 1.99 Henry, option B 6 Henry, option C 1.67 Henry or option number D 0.67 Henry. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.67 हेनरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1.67 हेनरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक श्रृंखला में एलसीआर सर्किट रेडियन अपॉन सेकंड में गुंजयमान आवृत्ति है। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज रेडियन बाय सेकंड इज ऑप्शन ए एल अपॉन सी। ऑप्शन बी अंडर रूट एल सी। ऑप्शन सी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और ऑप्शन डी अंडर रूट एल अपॉन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम वेवलेंथ। ऑप्शन ए नीली किरण ब्लू लाइट। ऑप्शन बी गामा किरण गामा रेज। ऑप्शन सी अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेज। और ऑप्शन डी माइक्रो तरंग या माइक्रोवेव। तो इनमें से जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है वो है गामा रेज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गामा रेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस प्रत्येक की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर समान है। लेंसों का संयोजन बनाने के लिए संपर्क में रखा जाता है। संयोजन शक्ति है।
अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस ईच हैविंग द सेम फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टेक्ट टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर्स इज ऑप्शन ए 0 डायोप्टर्स, ऑप्शन बी 25 डायोप्टर्स, ऑप्शन सी 50 डायोप्टर और ऑप्शन नंबर डी अनंत या इनफाइनाइट. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर. तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12. आवर्धन 2 की वास्तविक छवि प्राप्त करने के लिए 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल दर्पण से एच ऊंचाई की वस्तु की दूरी की गणना करें. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट एच फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2. ऑप्शन ए -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी +50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी -40 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी -30 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा था -15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है. तो अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो आई थिंक क्वेश्चन को ही गलत माना जाएगा. तो इसका आंसर तो अभी कुछ नहीं होगा. देखते हैं कि इसका आंसर ये क्या बताते हैं अगर आंसर की आती है, क्योंकि इसका आंसर -15 सेंटीमीटर आ रहा है जो कि ऑप्शन में ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13. स्लिट्स की एक जोड़ी पर आपतित तरंग दैर्ध्य 630 नैनोमीटर का लेज़र प्रकाश एक हस्तक्षेप पैटर्न उत्पन्न करता है जिसमें उज्ज्वल फ्रिज 7.2 mm से अलग हो जाते हैं. लेज़र प्रकाश के अन्य स्रोतों की तरंग दैर्ध्य की गणना करें जो स्लिट की समान जोड़ी का उपयोग करके 8.1 mm से अलग हस्तक्षेप फ्रिंज उत्पन्न करता है. लेज़र लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट्स प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द ब्राइट फ्रिंज आर सेपरेटेड बाई 7.2 mm. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्सेज ऑफ लेज़र लाइट विच प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंज सेपरेटेड बाई 8.1 mm यूजिंग सेम पेयर ऑफ स्लिट्स. ऑप्शन इज 708.75 nm, ऑप्शन बी 710.50 nm, ऑप्शन सी 715.75 nm, ऑप्शन डी 720.75 nm. जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 708.75 nm. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14. हाइड्रोजन परमाणु की सबसे भीतरी इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3×10⁻¹⁻ है. तो n=2 और n=3 कक्षाओं की त्रिज्याएं क्या है. ऑप्शन ए 5.4×10⁻¹⁻ मीटर, ऑप्शन बी 4.77×10⁻¹⁻ मीटर, ऑप्शन सी 4.4×10⁻¹⁻ मीटर और ऑप्शन डी 5.40×10⁻¹⁻ मीटर. तो हाइड्रोजन परमाणु की इनमें दिया गया है कि सबसे भीतरी इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या जो है वो 5.3×10⁻¹⁻ मीटर है और n=2 के लिए और n=3 कक्षाओं की त्रिज्याएं क्या है. तो हमें पूछा तो गया है कि n=2 की भी बतानी है और n=3 की भी बतानी है रेडियस, लेकिन ऑप्शन में हमें एक ही दे रखा है जो कि सेम तो नहीं हो सकता है. हमें दो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं n=2 के लिए क्या है और n=3 के लिए क्या है. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो n=2 के लिए जो रेडियस आ रही है वो आ रही है 2.12×10⁻¹⁻ मीटर जो कि ऑप्शन में ही नहीं है. और अगर हम n=3 के लिए अगर रेडियस निकालते हैं तो वो आ रही है 4.77×10⁻¹⁻ मीटर. ये ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि n=2 की भी रेडियस हमें बतानी है जो कि ऑप्शन में ही नहीं है. ऑप्शन में केवल n=3
ऑर्बिटल ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है 4.77 × 10⁻¹⁰ मीटर, और एन इज़ इक्वल टू 2 की नहीं दे रखी है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग शायद ये भी आंसर इन्होंने गलत दे रखा है, इसमें मिसप्रिंट हो रखा है कि पता नहीं क्या हो रखा है, लेकिन इसका आंसर भी ऑप्शन गलत दे रखे हैं। एन इज़ इक्वल टू 2 की रेडियस नहीं दे रखी है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एन इज़ इक्वल टू 3 कक्षा के लिए जो रेडियस है वो है 4.77 × 10⁻¹⁰ मीटर, और एन इज़ इक्वल टू 2 के लिए दे नहीं रखी है लेकिन पूछ रखी है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक भारी नाभिक पी जिसका द्रव्यमान संख्या 240 और बंधन ऊर्जा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन है, दोनों भी को क्यू और आर में विभाजित होता है, जिनकी द्रव्यमान संख्या 110 130 है, और प्रति नाभिक बंधन ऊर्जा क्रमशः 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो विखंडन में निकलने वाली ऊर्जा की गणना करें। A heavy nucleus P of mass number 240 and binding energy 7.6 mega electron volt per nucleon splits into two nuclei Q and R of mass number 110, 130 and binding energies per nucleons 8.5 mega electron volt and 8.4 mega electron volt respectively. कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द फीजन। ऑप्शन ए 230 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 203 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 302 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी 320 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 203 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 203 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है, इस घोल के लिए 50 ग्राम यूरिया को पानी के वाष्प दबाव में घोला जाता है और इसके सापेक्ष कम किया जाता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिलेटिव लोअरिंग। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 0.0176, ऑप्शन बी 0.0276, ऑप्शन सी 0.0199 और ऑप्शन नंबर डी 0.0186। तो इसमें आई थिंक क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो रखा है, इन्होंने वाटर का वेट नहीं दे रखा है कि हमें वाटर कितने ग्राम लेना है, उन्होंने वो नहीं दे रखा है। तो अगर हम वाटर को 850 ग्राम लेते हैं, अगर मिसप्रिंट हो रखा है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर हम वाटर को 850 ग्राम लेते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 0.176। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0.0176, बट अगर हम 850 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं तो इसमें उन्होंने दे नहीं रखा है, तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है क्या होगा, लेकिन अगर वाटर 850 ग्राम होगा तो इसका आंसर यही आएगा 0.0176। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एस्पिरिन के द्रव्यमान प्रतिशत की एसिटोनाइट्राइल में गणना करें जब एस्पिरिन का 6.5 ग्राम 450 ग्राम एसिटोनाइट्राइल में घुल जाता है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। ऑप्शन ए 2.45%, ऑप्शन बी 1.56%, ऑप्शन सी 1.667%, ऑप्शन डी 1.42%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मास परसेंट निकालेंगे वो निकलता है 1.42%। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1.42%।
क्वेश्चन 18, यदि तनु विलयन की मूलतः दुगनी कर दी जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक Kf का मान होगा। इफ़ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ डबल द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट Kf विल बी। ऑप्शन ए आधी, हाफ, ऑप्शन बी 3 गुना, ट्रिपल, ऑप्शन सी स्थिर अनचेंज्ड, ऑप्शन डी दुगनी डबल। तो अगर हम यदि किसी भी तनु विलयन की मोललता मोलैलिटी को डबल करते हैं तो जो Kf की वैल्यू है वो स्थिर हो जाती है, वो अनचेंज हो जाती है। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर हो जाएगी, अनचेंज्ड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वह कोशिका जिसमें निम्नलिखित प्रतिक्रिया होती है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। एक रिएक्शन, एक कोशिका है जिसमें निम्न रिएक्शन होती है, जिसमें 2 Fe3 पॉजिटिव एक्वस मीडियम में प्लस 2 I एक्वस मीडियम में रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं 2 Fe2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस है प्लस प्लस I2 जो सॉलिड है। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। मानक गिब्स ऊर्जा और सेल प्रतिक्रिया के संतुलन स्थिरांक की गणना करें। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। ऑप्शन ए Kc इज इक्वल टू 10^9, बी Kc इज इक्वल टू 10^8, ऑप्शन सी Kc इज इक्वल टू 10^10 और ऑप्शन डी Kc इज इक्वल टू 10^12। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे तो इसका आंसर आ रहा था Kc इज इक्वल टू 9.616 इंटू 10^7। ये ऑप्शन हमें, तो ये वाला जो ऑप्शन है 9.616 इंटू 10^7, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन जो इसका नियरेस्ट ऑप्शन है वो है 10^8। अगर हम ऑप्शन को देखें तो नियरेस्ट ऑप्शन है 10^8, जो कि हम इसको करेक्ट मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, Kc इज इक्वल टू 10^8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl की चालकता 0.025 सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता की गणना करें। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर मोल KCl एट 298 केल्विन इज 0.025 सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ऑप्शन ए 125 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऑप्शन बी 155 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऑप्शन सी 105 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऑप्शन डी 145 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 125 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 21, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में किस प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ बैटरी इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप। ऑप्शन ए सिल्वर सेल, ऑप्शन बी मरकरी सेल, ऑप्शन सी लिथियम आयन बैटरी, ऑप्शन डी निकिल कैडमियम सेल। तो हमारे जो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप होते हैं उसमें जो प्रयोग की जाने वाली बैटरी होती है वो होती है लिथियम आयन बैटरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम आयन बैटरी आर यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 22, जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो प्रतिक्रिया की दर और दर स्थिर हो जाती है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस, रेट इफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट बिकम। ऑप्शन ए दोहरा डबल, ऑप्शन बी ट्रिपल, ऑप्शन सी क्वाड्रुपल चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन डी वैसा ही रहता है रिमेन्स द सेम।
देखो जब तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो जो रिएक्शन रेट होता है एन कांस्टेंट रेट होता है वो क्वाड्रुपल हो जाता है, वो चौगुना हो जाता है, चौगुनी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौगुनी, क्वाड्रुपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सक्रियण ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से अधिक रखने वाले अणुओं का अंश बराबर होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू। ऑप्शन ए स्मॉल ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, ऑप्शन बी स्मॉल ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऑप्शन सी माइनस ई ए अपॉन आर टी और ऑप्शन नंबर डी ई ए अपॉन आर टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, वो होगी बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी के बराबर होगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोनों आयन जलीय घोल में रंगीन होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द आयन्स आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्शन ए स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और टाइटेनियम, ऑप्शन बी स्कैंडियम 3 पॉजिटिव और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, ऑप्शन सी निकिल 2 पॉजिटिव और कॉपर पॉजिटिव, ऑप्शन डी निकिल 2 पॉजिटिव और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। तो कोई भी आयन कलर्ड होता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसके लिए उसके जो सबसेल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका जो लास्ट सबसेल है उसमें डी सबसेल, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। तो इनमें से जो Ni2 पॉजिटिव, निकिल 2 पॉजिटिव और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव हैं वो कलर्ड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। इनके डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो कलर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निकिल 2 पॉजिटिव और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आर कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25। Mn2O7, V2O3, V2O5, CrO और Cr2O3 में से मूल ऑक्साइड है। आउट ऑफ Mn2O7, V2O3, V2O5, CrO और Cr2O3 द बेसिक ऑक्साइड्स आर। ऑप्शन ए Mn2O7 और V2O3, ऑप्शन बी V2O3 और V2O5, ऑप्शन सी V2O5 और CrO, ऑप्शन डी V2O3 और CrO। तो जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो कौन से होते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, यानी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वो बेसिक ऑक्साइड होंगे जो ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और जो एसिड ऑक्साइड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करते हैं, और जो उभयधर्मी एम्फोट्रॉफिक ऑक्साइड होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करते हैं और गेन भी करते हैं। तो इसमें से जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो है V2O3 और CrO, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। और जो Mn2O7 है वो एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये प्रोटोन इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करता है। और जो V2O5 है और Cr2O3 है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोट्रॉफिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट भी करते हैं और गेन भी करते हैं। तो हमें पूछा गया है कि बेसिक ऑक्साइड कौन से हैं, तो बेसिक ऑक्साइड हमारे पास V2O3 और CrO होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V2O3 और CrO। क्वेश्चन नंबर 26। समान चुंबकीय क्षण वाला युग्म है, संख्या क्रोमियम इज इक्वल टू 24, Mn परमाणु संख्या Mn बराबर 25, Fe बराबर 26 और कोबाल्ट इज इक्वल टू 27 पर।
द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट इज एटॉमिक नंबर क्रोमियम इज इक्वल टू 24, मैगनीज इज इक्वल टू 25, आयरन इज इक्वल टू 26 एंड कोबाल्ट इज इक्वल टू 27। ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम H2O का होल 6-2 पॉजिटिव एंड CuCl4 2 नेगेटिव। क्रोमियम H2O का होल 6-2 पॉजिटिव और आयरन H2O का होल 6-2 पॉजिटिव। ऑप्शन सी मैग्नीज H2O का होल 6-2 पॉजिटिव और क्रोमियम H2O का होल 6-2 पॉजिटिव। और ऑप्शन डी CuCl4 2 नेगेटिव और आयरन H2O का होल 6-2 पॉजिटिव। तो इनमें जो सेम मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो वाले जो कंपाउंड होंगे या आयंस होंगे उनमें जो वो वही होंगे जिनमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिन भी कंपाउंड या जिन भी आयंस में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, इसके जो लास्ट डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3d4, विच मीन्स इसके डी सबसेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और इसके बाद हमारा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है तो इसके जो लास्ट सबसेल है वो है 3d7 और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा मैग्नीज 2 पॉजिटिव है उसका जो लास्ट सबशेल है वो है 3d5 और इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा आयरन 2 पॉजिटिव है उसका जो लास्ट डी सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, विच मीन्स इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन में भी हैं और क्रोमियम में भी हैं। क्रोमियम और आयरन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, विच मीन्स अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका सेम मैग्नेटिक मोमेंट भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम H2O का होल 6-2 पॉजिटिव और FeH2O का होल 6-2 पॉजिटिव, क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4-4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय परिस्थितियों में सबसे अधिक आसानी से निर्जलित होगा। विच अमंगस द फॉलोइंग बी मोस्ट रेडियली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। तो सबसे अधिक आसानी से जो डिहाइड्रेट होगा वो होता है टर्सरी एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल होगा वो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट होगा इन एसिडिक कंडीशन। तो हमारा जो टर्सरी एल्कोहल है वो एसिडिक मीडियम में सबसे पहले डिहाइड्रेट होगा, फिर सेकेंडरी और सबसे ज़्यादा मुश्किल से वो होगा प्राइमरी एल्कोहल। तो इसमें जो टर्सरी एल्कोहल है वो होगा सबसे पहले डिहाइड्रेट और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट जल्दी होता है, फिर सेकेंडरी एल्कोहल और फिर प्राइमरी एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्यूमिस पत्थर किसका उदाहरण है। प्यूमिस स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए असॉल, ऑप्शन नंबर बी जेल का, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड सॉल का और ऑप्शन नंबर डी फोम का। तो जो प्यूमिक स्टोन है वो एग्जांपल है सॉलिड सॉल का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉलिड सॉल। और इसमें जो डिस्पर्स फेज है वो गैस होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो होता है सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यूमिस स्टोन एक सॉलिड सॉल है। क्वेश्चन नंबर 29। सूरज की रोशनी में टॉलविन के मोनोक्लोरिनेशन और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से जलीय सॉल्यूशन जलीय विलयन से प्राप्त होता है कि पैदावार होती है। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलविन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस एनएच यील्ड्स।
ऑप्शन ए ऑर्थोक्रिसोल, ऑप्शन बी मेटाक्रिसोल, ऑप्शन सी 2,4-dihydroxytoluene, ऑप्शन डी बेंजाइल अल्कोहल। तो हमें हमें दिया गया है कि हमें बोला गया है कि टॉलविन का पहले मोनोक्लोरिनेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कराना है विद एक्वस NaOH। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो अगर हम रिएक्शन करवाते हैं टॉलविन, ये हमारा टॉलविन हो गया बेंजीन के ऊपर CH3, इसका मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हमें मिलता है बेंजाइल अल्कोहल। ये है बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl बेंजीन के ऊपर बेंजाइल क्लोराइड मिलता है। और जो ये बेंजाइल क्लोराइड होता है, अगर इसकी रिएक्शन हम एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं फर्दर, तो ये जो बेंजाइल क्लोराइड है वो न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनेगा, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है, और इस CH2 के Cl पर, ये CH2 पर अटैक करेगा OH और NaCl बाहर निकल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंजाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 30, आणविक सूत्र C4H10O वाले कितने अल्कोहल चिरल प्रकृति के हैं? हाउ मैनी अल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कायरल कार्बन वो होता है जिसके जो कार्बन के चारों साइड से चारों वैलेंसी होती है वो अलग अलग ग्रुप के द्वारा पूरी की जाती है, यानी कि इसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। तो अगर हम C4H10O के अगर हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें हमें इसके तीन अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, और इसका एक ही कायरल, इसका जो नेचर होता है वो एक ही कायरल होगा अल्कोहल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, आणविक सूत्र C4H10 वाले सिर्फ एक ही अल्कोहल होगा जो कायरल नेचर का होगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ऑप्शन ए 1-butanol, ऑप्शन बी isobutyl अल्कोहल, ऑप्शन सी 2-butanol और ऑप्शन डी 2-methyl-2-propanol। तो इन सभी एग्जांपल्स में जो मॉलिकुलर मास है वो इन सबका सेम है, 74.12 ग्राम पर मोल। इन सभी का जो मॉलिकुलर मास है वो इन सभी का सेम है, 74.12 ग्राम पर मोल। बट इनमें जो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम उसका होगा जिसके स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होगी। जिस स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो इन सभी में जो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर है वो है 2-methyl-2-propanol का, तो इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो 2-methyl-2-propanol हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, प्राथमिक अमीन के साथ एल्डिहाइड की प्रतिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद द प्राइमरी एमाइन इज? ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी एरोमेटिक एसिड, ऑप्शन सी सिफ बेस और ऑप्शन डी कीटोन। तो अगर हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो इससे हमें शिफ बेस मिलता है, और ये शिफ बेस जो होता है वो एक सब्स्टिट्यूटेड इमाइन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिफ बेस। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम बाइकार्बोनेट में घुलनशील नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट? ऑप्शन ए 2,4,6-trinitrophenol,
ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑप्शन नंबर डी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इन सभी ऑप्शन में से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट में घुलनशील नहीं होता है, क्योंकि जब NO2 ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा होता है, ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, क्योंकि इसमें जो NO2 ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा होता है और जो OH है, OH का जो हाइड्रोजन है और NO2 का जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाता है, जिसके कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इस कारण से सोडियम बाइकार्बोनेट में घुलनशील नहीं होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज नॉट सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा टर्सरी अमाइन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्सरी अमाइन? ऑप्शन ए एन मिथाइल साइक्लोनेक्सिलमाइन, ऑप्शन नंबर बी ट्राई इथलामाइन, ऑप्शन सी टर्सरी ब्यूटलामाइन, ऑप्शन नंबर डी एन मिथाइल एनिलीन। तो हमें बताना है कि इनमें से जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, टर्सरी एमाइन कौन सा है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टर्सरी एमाइन जो होगा वो होगा ट्राई इथलामाइन, हमारा टर्सरी एमाइन होगा, और इसका स्ट्रक्चर होगा C2H5 और C2H5। हमारा जो नाइट्रोजन होगा वो तीनों साइड से इथाइल ग्रुप से जुड़ा होगा, और ये हमारा एक टर्सरी अमाइन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्राई इथलामाइन इज़ अ टर्सरी अमाइन। क्वेश्चन नंबर 35, अल्कोहलिक माध्यम में NaOH और Br2 के साथ प्रतिक्रिया करने पर CH3CONH2 देता है। CH3CONH2 ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड Br2 इन अल्कोहलिक मीडियम गिव। ऑप्शन ए CH3CH2NH2, ऑप्शन बी CH3CH2Br, ऑप्शन नंबर सी CH3NH2 और ऑप्शन नंबर डी CH3COONA। तो अगर हम रिएक्शन करवाते हैं CH3CONH2 की रिएक्शन NaOH और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें जो मिलता है वो मिलता है CH3CH2Br, मेन प्रोडक्ट CH3CH2Br मिलेगा, प्लस अमोनिया बाहर निकल जाएगा और HBrV, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है CH3CH2Br। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा CH3CH2Br। क्वेश्चन नंबर 36, जलीय घोल में एमीन की मूल शक्ति का क्रम है। द ऑर्डर इफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज। ऑप्शन ए CH3 का होल थ्राइज N इज ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइज NH इज ग्रेटर देन CH3NH2 इज ग्रेटर देन अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी CH3NH2 इज ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइज NH इज ग्रेटर देन CH3 का होल थ्राइज N इज ग्रेटर देन अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी अमोनिया इज ग्रेटर देन CH3 का होल थ्राइज N इज ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइज NH इज ग्रेटर देन CH3NH2। ऑप्शन नंबर डी CH3 का होल ट्वाइज NH इज ग्रेटर देन CH3NH2 इज ग्रेटर देन CH3 का होल थ्राइज N और इज ग्रेटर देन अमोनिया। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो एमाइंस का क्रम होता है वो होता है, स्ट्रेंथ का जो क्रम होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम होता है वो होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक सेकेंडरी होगा, उसके बाद प्राइमरी होगा और उसके बाद टर्सरी होगा। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेकेंडरी पहले है, उसके बाद प्राइमरी है और उसके बाद फिर टर्सरी है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें पहले सेकेंडरी अमाइन है
और फिर उसके बाद प्राइमरी है, उसके बाद टर्सरी है, और सबसे कम जो होगा वो होगा अमोनिया। जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद। ऑप्शन ए NH2OH, ऑप्शन बी कंसनट्रेटेड HNO3, ऑप्शन सी CH3CO का होल ट्वाइस ओ, ऑप्शन नंबर डी NaHSO3। तो जो ग्लूकोज है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन में जो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसे खोल नहीं पाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाई सल्फाइड। ग्लूकोज सोडियम बाई सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और ग्लूकोज जो होता है वो शिफ्ट बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी गैर घटाने वाली चीनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर, गैर अपचायन वाली चीनी है, नॉन रिड्यूसिंग सुगर है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, और ऑप्शन डी लैक्टोज। तो जो नॉन रिड्यूसिंग सुगर है वो होती है सुक्रोज, क्योंकि ये टॉलिन रिएजेंट के द्वारा रिड्यूस नहीं होता है, क्योंकि इसके पास CHO ग्रुप नहीं होता है सुक्रोज के पास, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग सुगर जो है वो है सुक्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा बी समूह विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6, और ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। तो जो बी विटामिन है वो हमारे बॉडी में वैसे तो स्टोर नहीं रहती है, लेकिन फिर भी एक विटामिन है जो हमारे लीवर में थोड़ा बहुत स्टोर रह जाती है, तो वो विटामिन है वो है विटामिन B12। इसका केमिकल नेम है साइनोकोबलामिन, और ये लीवर में स्टोर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। क्वेश्चन 40, क्रिस्टलीय ठोस का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑप्शन ए हेट्रोजीनस एनिसोट्रॉपिक विषमांगी और एनिसोट्रॉपिक, ऑप्शन बी होमोजीनस एनिसोट्रॉपिक सजातीय और एनिसोट्रॉपिक, ऑप्शन सी हेट्रोजीनस आइसोट्रॉपिक, ऑप्शन नंबर डी होमोजीनस आइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो हमारे पास होमोजीनस होता है और एनिसोट्रॉपिक होता है। होमोजीनस क्यों होता है? क्योंकि इसका जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्मिटी होता है, एक समान होता है, और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज विद डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर चेंज करोगे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो होमोजीनस भी है और एन आइसोट्रॉपिक भी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होमोजीनस और एन आइसोट्रॉपिक, सजातीय और एनिसोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 41, एक कारनॉट इंजन की दक्षता 50% होती है जब उसका स्रोत 327 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है, सिंक का तापमान है। अ कारनॉट इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट्स सोर्स इज एट अ टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। ऑप्शन ए 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 200 डिग्री सेल्सियस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 42, एक बंदूक से 280 मीटर सेकंड इनवर्स की गति से 36 से 30 डिग्री ऊपर दिशा में गोली चलाई जाती है, गोली द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई है G = 9.8 मीटर सेकंड की पावर -2 और sin 30 डिग्री = 0.5।
अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर सेकेंड इनवर्स इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज ऑप्शन ए 2800 मीटर ऑप्शन बी 2000 मीटर ऑप्शन सी 1000 मीटर और ऑप्शन डी 3000 मीटर सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1000 मीटर ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1000 मीटर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 वायु में प्रकाश T1 समय में x दूरी तथा अन्य सघन माध्यम में T2 समय में 10x दूरी तय करता है इस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या है लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम T1 इन एयर एंड 10x इन टाइम T2 इन अनदर डेंसर मीडियम व्हाट इज़ द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम ऑप्शन ए साइन इनवर्स T1 अपॉन T2 ऑप्शन बी साइन इनवर्स 10 T2 अपॉन T1 ऑप्शन सी साइन इनवर्स T1 अपॉन 10 T2 ऑप्शन डी साइन इनवर्स 10 T1 अपॉन T2 सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा साइन इनवर्स 10 T1 अपॉन T2 जो कि है ऑप्शन नंबर डी तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साइन इनवर्स 10 T1 अपॉन T2 क्वेश्चन नंबर 44 एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में प्रेरकत्व L 10 MHz प्रेरकत्व 10 M हेनरी धारिता C1μF तथा प्रतिरोध R 100 ओम है अनुनाद उत्पन्न होने की स्थिति में आवृत्ति है इन अ सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 M हेनरी कैपेसिटेंस C इज 1 μF और N रेसिस्टेंस R इज 100 ओम द फ्रीक्वेंसी एट विच रिजोनेंस अकर्स इज ऑप्शन ए 15.9 रेडिएशन अपॉन सेकेंड ऑप्शन बी 15.9 किलो हर्ट्ज ऑप्शन सी 1.59 रेडिएशन अपॉन सेकेंड ऑप्शन नंबर डी 1.59 किलो हर्ट्ज तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1.59 किलो हर्ट्ज इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 4.0 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु आवेश वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण 9 न्यूटन पर कूलाम है उसी आवेशित वस्तु से 100 न्यूटन पर कूलाम परिमाण का विद्युत क्षेत्र की दूरी पर होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 4.0 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलाम फ्रॉम द सेम इन चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलाम विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ ऑप्शन ए 1 मीटर ऑप्शन बी 2 मीटर ऑप्शन सी 3 मीटर और ऑप्शन डी 5 मीटर सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 3 मीटर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 3 मीटर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 एक बिंदु आवेश Q को भुजा A वाले एक वर्ग के केंद्र के ठीक ऊपर A by 2 की दूरी पर रखा गया है वर्ग के माध्यम से विद्युत प्रवाह है अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस A upon 2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज ऑप्शन नंबर ए Q upon epsilon नॉट ऑप्शन बी क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन सी क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन नंबर डी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट क्वेश्चन नंबर 47 2.0 μ कूलाम का एक बिंदु आवेश
घन गाउसी सतह के केंद्र में 9 सेंटीमीटर किनारे पर है। सतह के माध्यम से शुद्ध विद्युत प्रवाह क्या है? अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 म्यू कूलाम इज एट सेंटर ऑफ क्यूबिक गाउसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस? ऑप्शन ए 2.26 × 10⁵, 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ऑप्शन बी 2.26 × 10⁸ न्यूटन मीटर की पावर 4 और कूलाम की पावर -6। ऑप्शन सी 4.26 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -1। ऑप्शन डी 6.26 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम इनवर्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48। दिखाए गए त्रिभुज के अनुसार शीर्षों पर रखे गए 3 आवेशों की प्रणाली को अलग करने के लिए किए गए कार्य की गणना करें। Q = 1.6 × 10⁻¹ कूलाम। कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोशिएटेड द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एज शोन। Q = 1.6 × 10⁻¹ कूलाम। हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है और शीर्ष पर 3 आवेश रखे गए हैं और इनको अलग अलग करने वाले कार्य की गणना करनी है। तो ऑप्शन ए दिया है 3.5 × 10⁸ जूल। ऑप्शन बी 2.3 × 10⁻¹ जूल। ऑप्शन सी 3.5 × 10⁸ जूल। और ऑप्शन डी 3.2 × 10⁸ जूल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2.3 × 10⁸ जूल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 2.3 × 10⁸ जूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अंडर रूट 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के केंद्र पर विभव की गणना करें जिसके चारों कोनों पर क्रमशः +2NC, +1NC, -2NC और -3NC आवेश है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड अंडर रूट 2 मीटर विच कैरीज एट इट्स 4 कॉर्नर चार्जेस ऑफ +2NC, +1NC, -2NC and -3NC रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए -16 वोल्ट, ऑप्शन बी +16 वोल्ट, ऑप्शन सी -18 वोल्ट और ऑप्शन डी -20 वोल्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा -18 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा -18 वोल्ट। क्वेश्चन 50। एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसकी लंबाई में 0.1% परिवर्तन हो जाए तो उसके प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। A wire is stretched so as to change its length by 0.1%. The percentage increases in its resistance will be option A 0.3%, option B 0.4%, option C 0.6% और option D 0.2%. So इसका correct answer होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.2%। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.2%। सो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन सेक्शन ए के जो कि थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और आगे हमारे पास सेक्शन बी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 to 100 हैं जो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। तो इनको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन रासायनिक परासरण के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमी ऑस्मोसिस। रासायनिक परासरण के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर ए मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप
प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेस, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप प्रोटॉन ग्रेडियंट एनएडीपी सिंथेस, ऑप्शन सी प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेस और ऑप्शन डी प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट एनएडीपी सिंथेसिस। तो रासायनिक पराशरण या केमी केमी ऑस्मोसिस के लिए जो जरूरी समायोजन कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कि मेम्ब्रेन भी जरूरी होती है, प्रोटॉन पंप भी जरूरी होता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोटॉन प्रवणता भी जरूरी है और एटीपी सिंथेस भी जरूरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 51 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा कारण आर के रूप में लेबल किया है। गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एशरेशन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। एशरेशन ए, एक फूल को रूपांतरित तने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्ररोह मेरिस्टम का परिवर्तन पुष्पीय मेरिस्टम में हो जाता है। अ फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टम। कारण आर, प्ररोह के पर्व संघनित होकर उत्तरोत्त पर्वों पर पत्तियों के बजाय विभिन्न पुष्पीय उपांग उत्पन्न करते हैं। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेंस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए सत्य है परंतु आर सत्य है। ए असत्य है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि ए और आर दोनों सत्य है बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है बट ए और आर दोनों ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। पुनर्योजन डीएनए के निर्माण के मुख्य चरण नीचे दिए गए हैं, सही क्रम में व्यवस्थित करें। मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बेलो, अरेंज दीज स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन ए, परपोषी कोशिका में पुनर्योजन डीएनए का अंतःक्षेपण। ऑप्शन बी, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटना। ऑप्शन सी, वांछित डीएनए खंड को पृथक करना। ऑप्शन डी, पीसीआर को उपयोग करते हुए वांछित जन का आवर्धन। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेटेड डीएनए इनटू द होस्ट सेल, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऑप्शन सी, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट। ऑप्शन डी, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। और इनमें से हमें करेक्ट विकल्प को चुनना है कि इनका सही क्रम में लगाना है पुनर्योजन डीएनए के निर्माण में। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के आधे की इस तकनीक में हम दो या दो से अधिक जो सोर्स हैं या स्रोत से डीएनए को संयोजित कॉम्बिनेशन करवाते हैं और इसको पुनरावर्ती डीएनए रिकॉम्बिनेटेड डीएनए बनाया जाता है। तो ये हमारी पुनर्योजन डीएनए टेक्नोलॉजी होता है और इसके जो मेन स्टेप्स हैं वो हैं, सबसे पहले जो स्टेप आएगा वो आएगा कि वांछित डीएनए खंड को पृथक करना। हमारे पास जो डिज़ायर डीएनए है उसका आइसोलेशन करना, हमें जो डीएनए चाहिए उसको हमें आइसोलेट करना होगा कि हमें इस डीएनए पर काम करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन सी आएगा, फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटना। फिर अगर हमने डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट, डिज़ायर डीएनए को आइसोलेट कर दिया है, फिर हम उसको जिसकी स्पेसिफिक साइट है उसको हम काट देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, और उसके बाद हमें पीसीआर का उपयोग करते हुए वांछित जीन का आवर्धन करना है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर।
और उसके बाद हमें इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, उसके बाद जो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है उसको होस्ट सेल में इंसर्ट करवाना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी, पहले ऑप्शन सी आएगा, फिर बी, फिर डी और फिर ए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट में कुछ हमें प्रोसेस का नाम दिया है जो हमें सूची सेकंड साथ मिलानी है कि वो किससे सेम सिमिलर करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है वो सिमिलर है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज के। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन सिमिलर है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज के। और जो ग्लाइकोलाइसिस है वो सिमिलर है ईएमपी पाथवे से जुड़ी हुई है ग्लाइकोलाइसिस। और जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ी हुई है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है वो सिट्रेट सिंथेसिस साइकिल भी कहलाती है। तो ऑप्शन ए का सेकंड सही हो जाएगा और ऑप्शन बी का फोर्थ सही हो जाएगा, ऑप्शन सी का थर्ड ही सही हो जाएगा और ऑप्शन डी का फर्स्ट सही हो जाएगा। तो हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए का सेकंड, ऑप्शन बी का फोर्थ, ऑप्शन सी का थर्ड और ऑप्शन डी का फर्स्ट। तो इनमें से ये ऑप्शन ए की है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 54 को ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, यदि 325 माइक्रोस्पोर मातृ कॉल के बाद बनने वाले परागण माइक्रोस्पोरन जेनेसिस से गुजरते हैं तो सही संख्या देने वाले विकल्प का चयन करें। चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 325 माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स अंडरगो माइक्रोस्पोरन जेनेसिस। ऑप्शन ए 325, ऑप्शन बी 650, ऑप्शन सी 1300, ऑप्शन डी 975। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1300, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, पराग कोश में माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे बाहरी और सबसे भीतरी दीवार परतें क्रमशः होती है द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए एंडोथीसियम एंड टैपिटम, ऑप्शन बी एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, ऑप्शन सी एपिडर्मिस और मिडल लेयर, ऑप्शन डी एपिडर्मिस एंड टैपिटम। तो एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसकी जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है एपिडर्मिस, और जो उसकी सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे इनर वॉल होती है, वो होती है टैपिटम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एपिडर्मिस और टैपिटम। क्वेश्चन 57, भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन। ऑप्शन ए कास्टर एंड कोकोनट, ऑप्शन बी कोकोनट एंड ग्राउंड नट, ऑप्शन सी ग्राउंड नट एंड पी और ऑप्शन नंबर डी कास्टर एंड पी। इनमें से वो कौन सा एग्जांपल है, इनमें से वो कौन सा एक पौधा है, कौन सा एक
कौन सा एक प्लांट है जिसमें भ्रूणपोष जिसमें उसका भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जो डेवलप्ड एम्ब्रियो है उसके द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा वो होगा मूंगफली और मटर। मूंगफली और मटर का जो भ्रूणपोष है उसका उपयोग जो उसका विकासशील भ्रूण है पूरा उपयोग कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राउंड नट एंड पी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड। ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन बी एम्पुला, ऑप्शन सी प्रोस्टेट, ऑप्शन डी वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो जो मेल एसेसरी ग्लैंड ग्लैंड है वो सेमिनल वेसाइकल भी है, प्रोस्टेट भी है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी है। तो इनमें से जो एम्पुला है वो मेल एसेसरी ग्लैंड या पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 59। भ्रूण के विकास के दौरान मानव भ्रूण में कब तक अंग और अंक बनते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द लिम्ब्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म इन द ह्यूमन्स फीटस ह्यूमन फीट्स बाय द एंड ऑफ। ऑप्शन ए 15 डेज ऑफ प्रेगनेंसी गर्भावस्था के 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी 30 डेज ऑफ प्रेगनेंसी गर्भावस्था के 30 दिन, ऑप्शन सी 45 डेज ऑफ प्रेगनेंसी गर्भावस्था के 45 दिन, ऑप्शन डी 60 डेज ऑफ प्रेगनेंसी गर्भावस्था के 60 दिन। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 60 डेज ऑफ प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के 60 दिन में मानव भ्रूण में डिजिट्स और लिम्ब्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। किसी जनसंख्या में IMR में वृद्धि और MMR में कमी होगी। इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन अ पॉपुलेशन विल। ऑप्शन ए विकास दर में तेजी से वृद्धि का गिर कारण कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट रेट। ऑप्शन बी नतीजा विकास दर में गिरावट रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। ऑप्शन सी नॉट विकास दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बनता है। ऑप्शन सी रिजल्ट इन एन एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन। विकास दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, ये नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट कॉजेज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी ये होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 है वो बोलना चाह रहा है कि IMR में अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे IMR को, IMR का मतलब होता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर, अगर शिशु मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाएगी यानी शिशुओं की मृत्यु ज़्यादा होगी और MMR में कमी होगी, MMR यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मातृ मृत्यु दर कम हो जाएगी। तो शिशुओं में तो कमी है लेकिन मातृ मृत्यु दर कम होगा यानी जनसंख्या जो जनन वृद्धि दर है उसमें कमी नहीं आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि विकास दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होंगे ग्रोथ रेट में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नॉट कोज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 61। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की एक विशेष प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु को सीधे डिंब में इंजेक्ट किया जाता है। अ स्पेशलाइज प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द ओवम इज। ऑप्शन नंबर ए IUT, ऑप्शन नंबर बी IUI, ऑप्शन नंबर सी ICSI और ऑप्शन नंबर डी ZIFT। तो हमारे पास जो टेक्निक होती है वो होती है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके द्वारा हम लेबोरेटरी में शुक्राणु को सीधे ओवम में इंजेक्ट करवाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम स्थित जीनों के लिए लागू होता है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होल्ड्स गुड्स फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन द। ऑप्शन ए गैर समझात गुणसूत्र,
नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑप्शन बी होमोलोगस क्रोमोसोम, अनुकूल गुणसूत्र, ऑप्शन सी अतिरिक्त परमाणु, अनुवांशिक तत्व, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट, ऑप्शन डी समान गुणसूत्र सेम क्रोमोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा होमोलोगस क्रोमोसोम। मेंडल का जो स्वतंत्र अवयवन का नियम है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का नियम है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन और गुणसूत्रों में समानता को इंगित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट पैरेललिज्म इन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स? ऑप्शन ए वे जोड़े में होते हैं, ऑप्शन बी सेकंड वे युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं, थर्ड वे जुड़ाव दिखाते हैं, और फोर्थ स्वतंत्र जोड़े स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी समानता है जो गुणसूत्र में भी होती है और जीन में भी होती है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ऑप्शन देख के हम पता लगाएंगे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो जो गुणसूत्र और जीन है दे अकर इन पेयर्स, वे जोड़े में होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड ये बोल रहा है कि वे युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं, ये भी बात सही है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड दे शो लिंकेज, वे जुड़ाव दिखाते हैं, तो आई थिंक ये समानता नहीं है। और ऑप्शन जो फोर्थ है स्वतंत्र जोड़े स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज पुट फोर्थ बाई, ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल एंड टी शेमक, ऑप्शन बी वॉल्टर शटन एंड थियोडर बोवेरी, ऑप्शन नंबर सी थॉमस हर्ट मॉर्गन और अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट, ऑप्शन डी डी ब्रिज और कॉरेंस। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो दी गई है वॉल्टर शटन एंड बोवेरी के द्वारा, थियोडर बोवेरी के द्वारा 1902 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल के विकास में निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसका कोई योगदान नहीं था? Who among us the following scientists had no contribution in the development of the double helix model for the structure of DNA? Option A, Rosalind Franklin. Option B, Morris Willikens. Option C, Irwin Chargaff. Option D, Meselson or Stahl. तो Rosalind Franklin इनका भी योगदान था, Morris Willikens इनका भी योगदान रहा है डीएनए के हेलिक्स मॉडल में, इरविन चारगाफ का भी रहा, इन्होंने चारगाफ रूल दिया है, और जो मेसेलसन और स्टाल्स हैं तो इनका डीएनए का हेलिक्स मॉडल के विकास में योगदान नहीं था। इन्होंने डीएनए की जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसके बारे में योगदान दिया था, उसके बारे में कहा था कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेसेलसन एंड स्टाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, परिपक्व आरएनए यूकेरियोट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इज मैच्योर आरएनए यूकेरियोट्स? ऑप्शन ए एक्सॉन और इंट्रॉन परिपक्व आरएनए में दिखाई नहीं देते हैं, ऑप्शन बी एक्सॉन दिखाई देते हैं लेकिन परिपक्व आरएनए में इंट्रॉन दिखाई नहीं देते हैं, ऑप्शन सी इंट्रॉन प्रकट होते हैं लेकिन एक्सॉन परिपक्व आरएनए में प्रकट नहीं होते हैं, ऑप्शन डी एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों परिपक्व आरएनए में दिखाई देते हैं। तो जो परिपक्व आरएनए है यूकेरियोटिक का उसमें एक्सॉन तो दिखाई देते हैं लेकिन जो मैच्योर आरएनए है उसमें इंट्रॉन दिखाई नहीं देता है, एक्सॉन दिखाई देता है बट इंट्रॉन नहीं दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67,
एक डीएनए मॉलिक्यूल 160 आधार जोड़े यानी बेस पेयर लंबा होता है। इसमें 30% गुआनिन होता है। इस डीएनए अणु में कितने एडेनिन आधारित मौजूद हैं? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 90। एक डीएनए में 160 आधार जोड़े हैं यानी डीएनए में कितने बेस पेयर्स हैं? 160, यानी टोटल जितने बेस होंगे वो कितने होंगे? 160 इंटू 2, 320 टोटल बेस पेयर्स हैं डीएनए मॉडल में। और इन 320 में से जो 30% है वो ग्वानिन होता है। 30% ग्वानिन होगा। और चारगाफ ने बोला था कि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के बराबर होता है, यानी कि जितनी मात्रा ग्वानिन की होगी उतनी ही मात्रा साइटोसिन की होगी। तो ग्वानिन हमारे पास 30% है, तो साइटोसिन भी 30% होगा। 60% और बचा 40% 100 में से, तो 20%, 40% में से जो एडिनिन होगा वो 20% होगा। और एडिनिन और थायमिन बराबर होते हैं, तो 20% एडिनिन और 20% थायमिन, इस तरीके से 100% होगा। तो 320 का जो 20% होगा ग्वानिन, जो एडिनिन हमें पूछा है कि एडिनिन कितना होता है, तो एडिनिन अगर 320 का अगर हम 20% निकालें तो ये आता है 64, 64 एडिनिन मौजूद है, 64 एडिनिन और 64 ही थाइमिन होंगे। लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन में कहीं 64 नहीं है। अगर हमारे पास 64 होंगे, इन्होंने पूछ रखा है कि एडिनिन बेस्ड कितने हैं डीएनए मॉलिक्यूल में, एडिनिन बेस कितने हैं। इन्होंने 64 नहीं दे रखे, इन्होंने संख्या नहीं दे रखी है। लेकिन अगर पूछा होता है कि कितने परसेंट एडिनिन प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास 20% एडिनिन प्रेजेंट होगा। एडिनिन 20%, थाइमिन 20%, ग्वानिन 30% एंड साइटोसिन 30%। तो हमारे पास पूछी तो संख्या गई थी, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में संख्या नहीं दे रखी है। बट अगर हम परसेंट की बात करें तो 20% एडिनिन प्रेजेंट होगा। तो अगर इसका हम करेक्ट आंसर परसेंट वाइज देखें तो ये 20% होगा। लेकिन इन्होंने पूछ रखा है कि एडिनिन बेस्ड आर प्रेजेंट इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल। इन्होंने परसेंट वाइज नहीं पूछ रखा है, इन्होंने संख्या वाइज पूछ रखा है। तो इन्होंने तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर ये परसेंट वाइज होता तो इसका आंसर 20 आता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विकास के लिए पुरापाषाणकालीन साक्ष्य इसका उल्लेख करते हैं। पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन रिफर टू द ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ऑप्शन बी होमोलोगस ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी फॉसिल, ऑप्शन नंबर डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो पैलियंटोलॉजी है उसमें हम फॉसिल का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। तो पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस हमें फॉसिल्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फॉसिल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। MN रक्त समूह प्रणाली के लिए M और N एलील्स की आवृत्ति क्रमशः 0.7 एंड 0.3 है। MN रक्त समूह वाले जीव की अपेक्षित आवृत्ति होने की संभावना है। फॉर द MN ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसीज ऑफ MNL एलील्स MNLN एलील्स आर 0.7 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ MN ब्लड ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू बी ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 49%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 58%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 42%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 42%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम इसके उदाहरण है। एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन नंबर ए उत्क्रम विकास रिवर्स इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन म्यूटेशन और ऑप्शन नंबर डी नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। तो एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में वो एग्जाम्पल्स होते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के, कृत्रिम चयन के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मानव रक्त में टी लिम्फोसाइट्स की गणना में कमी के परिणाम स्वरूप होगा, द डिक्रीज इन टी लिम्फोसाइट्स काउंट इन ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन, ऑप्शन ए डिक्रीजेस इन एंटीजन, ऑप्शन बी डिक्रीजेस इन एंटीबॉडी, ऑप्शन सी एंटीबॉडी में वृद्धि इंक्रीजेस इन एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी इंक्रीजेस इन एंटीजन, एंटीजन में वृद्धि। तो अगर टी लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाएगी हमारे ब्लड में तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ कम बनेगी, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स है वो हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जिसके कारण हमारे जो शरीर है वो रोगों के प्रति लड़ने में सक्षम हो पाता है। तो टी लिम्फोसाइट्स का काउंट अगर कम हो जाएगा हमारी बॉडी में, इसका मतलब है कि एंटीबॉडीज़ कम बन रही है, डिक्रीजेस इस एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस इन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में कमी। क्वेश्चन नंबर 72 एलिसा तकनीक के सिद्धांत पर आधारित है। एलिसा टेक्निक इज बेस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन ए डीएनए की नकल डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ऑप्शन सी पैथोजन एंड एंटीजन रिएक्शन, रोगजनक और एंटीजन पर परस्पर क्रिया, ऑप्शन नंबर डी एंटीजन और प्रोटीन की परस्पर क्रिया, एंटीजन एंड प्रोटीन इंटरेक्शन। तो जो एलिसा टेक्निक है वो हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करती है, और ये ब्लड बॉर्न वायरस को डिटेक्ट करती है, जैसे HIV, HBV, HCV, उनको टेस्ट करने के लिए एक खास तकनीक है। एलिसा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और जो एलिसा टेक्निक है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़े आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कम होती जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूसेस इन साइज विद एजिंग, ऑप्शन ए पाइनल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी थायराइड। तो जो हमारे पास इन सभी में से जो थाइमस ग्लैंड है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार में घटती है। तो थाइमस ग्लैंड में क्या काम होता है कि थाइमस ग्लैंड में इम्यून सेल का प्रोडक्शन और मैचुरेशन होता है, इम्यून सेल बनती कहाँ थाइमस में और इनका परिपक्वन भी थाइमस में ही होता है, इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का साइज कम होने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 74 वह विटामिन है जिसकी मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में बदलने के बाद बढ़ जाती है, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज, ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन B12 और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो दूध से दही बनने में जिस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है वो है विटामिन B12। हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, विच ऑफ दीज इज आर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन सी एजोबैक्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो राइजोबियम है, क्लोस्ट्रीडियम है, एजोबैक्टर है, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सक्रिय कीचड़ में शीघ्रता से जमने की क्षमता होनी चाहिए ताकि ऐसा हो सके, एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट कैन, ऑप्शन ए अवसादन टैंक से यातन टैंक में तेजी से वापस पंप किया जाना चाहिए, बी रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरेशन टैंक, ऑप्शन बी निपटान टैंक के तल तक अवशिष्ट जल में रोगजनक बैक्टीरिया को अवशोषित करें।
absorb pathogenic bacteria in waste water while to the bottom of the settling tank. ऑप्शन सी त्याग दिया जाए और अवायवीय रूप से पचाया जाए. बी डिस्कॉर्डेड एंड एनएरोबिकली डाइजेस्टेड. ऑप्शन डी कोलाइड कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करें. अब्सॉर्ब कोलाइड ऑर्गेनिक मैटर. सो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सक्रिय कीचड़ में शीघ्रता से जमने की क्षमता होनी चाहिए ताकि अवसादन टैंक से यातन टैंक वातन टैंक में तेजी से वापस पंप किया जाना चाहिए. बी रैपिडली पंप बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरेशन टैंक. इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77. दही को खट्टा होने से बचाने के लिए किस पैरामीटर को आवश्यक रूप से नियंत्रित करना चाहिए. टू प्रिवेंट कर्ड फ्रॉम गेटिंग सोर विच पैरामीटर शुड बी एसेंशियल कंट्रोल. ऑप्शन ए क्वांटिटी ऑफ मिल्क. ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ लैब एडेड इनिशियली. ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सराउंडिंग एयर. तो दही को खट्टा होने से बचाने के लिए हमें कंट्रोल करना होगा अपने चारों तरफ का जो टेम्परेचर तापमान है उसे कंट्रोल करना चाहिए. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो दही ज़्यादा खट्टी होगी, टेम्परेचर कम होगा तो दही खट्टे होने से बचेगी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आसपास का तापमान. क्वेश्चन नंबर 78. वेक्टर में एक एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन आमतौर पर चयन में मदद करता है. एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन इन वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन. ऑप्शन ए कॉम्पिटेंट सेल सक्षम कोशिकाएं. ऑप्शन बी रूपांतरित कोशिकाएं ट्रांसफॉर्म सेल. ऑप्शन सी पुनः संयोजक कोशिकाएं रिकॉम्बिनेंट सेल. ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एवब. तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म सेल होती है वो वेक्टर में एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन के चयन में मदद करती है, ट्रांसफॉर्म सेल. तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रूपांतरित कोशिकाएं या ट्रांसफॉर्म सेल. क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं. एक जीवाणु कोशिका को एक पुनः संयोजक डीएनए अणु के साथ बदल दिया गया था जो एक मानव जीन का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था. हालांकि परिवर्तित कोशिकाओं ने वांछित प्रोटीन का उत्पादन नहीं किया. कारण हो सकते हैं अ बैक्टीरियल सेल वॉज ट्रांसफॉर्म विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल दैट वॉज जनरेटेड यूजिंग अ ह्यूमन जीन. हाउएवर द ट्रांसफॉर्म सेल डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर प्रोटीन. रीजन कुड बी. ऑप्शन ए मानव जीन में इंट्रॉन हो सकता है जिसे बैक्टीरिया संशोधित नहीं कर सकता. ऑप्शन बी मनुष्यों और बैक्टीरियों के लिए अमीनो एसिड के ढंग अलग अलग हैं. ऑप्शन नंबर सी मानव प्रोटीन बनाता है लेकिन बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो जाता है. ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि मानव जीन में इंट्रॉन हो सकता है जिसे बैक्टीरिया संशोधित नहीं कर सकता. ह्यूमन जीन मे हैव इंट्रॉन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस. अब इंट्रॉन क्या होता है? इंट्रॉन वो होता है कि किसी भी जीन में कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसे अंतिम आरएनए उत्पाद की परिपक्वता के दौरान आरएनए स्प्लिसिंग द्वारा हटाया जाता है उसे इंट्रॉन कहते हैं. लेकिन बैक्टीरिया में जो एमआरएनए का प्रोडक्शन करने के लिए और इंट्रॉन को हटाने के लिए आरएनए को विभाजित करने की क्षमता नहीं होती है बैक्टीरिया में, इसीलिए अनुवादन या ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है और प्रोटीन का उत्पादन नहीं हो पाता है. क्योंकि जब ट्रांसलेशन ही नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा. तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मानव जीन में इंट्रॉन हो सकता है जिसे बैक्टीरिया संशोधित नहीं कर सकता है. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारे पास. और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि यदि किसी को बड़ी मात्रा में पुनः संयोजक प्रोटीन का उत्पादन करना हो तो सर्वोत्तम उपज के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना जाना चाहिए. Which of the following should be chosen for best yield if one were to produce a recombinant protein in large amount? Option A सबसे बड़ी क्षमता का प्रयोगशाला फ्लास्क. Option B inlets और outlets के बिना. Option number C एक सतत संस्कृति प्रणाली. Option number D any of the above उपरोक्त में कोई भी.
तो अगर किसी भी बड़ी मात्रा में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उत्पादन प्रोडक्शन करना हो तो हमें एक कंटिन्यूस कल्चरल सिस्टम को फॉलो करना होगा, एक सतत संस्कृति प्रणाली को फॉलो करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अ कंटिन्यूस कल्चरल सिस्टम, एक सतत संस्कृति प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 81, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस के विष के सक्रियण का ट्रिगर है। द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस इज, ऑप्शन ए पेट का अम्लीय पीएच, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक, ऑप्शन बी उच्च तापमान हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी आंत का क्षारीय पीएच, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, ऑप्शन डी कीड़ों की आंत में यांत्रिक क्रिया, मैकेनिकल एक्शन इन द इंसेक्ट गट। तो बीटी के विष के सक्रियण का ट्रिगर है, बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस का है, वो है एल्कलाइन पीएच ऑफ गट्स। इंसेक्ट्स के गट्स में जब बीटी का विष पहुंचता है तो जो उसका एल्कलाइन पीएच होता है इंसेक्ट का, वो उसे सक्रियण एक्टिव कर देता है, जिसके कारण इंसेक्ट मर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। और जो बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस है वो एक बैक्टीरिया है जो कि इंसेक्ट्स को मारने के काम आता है, और एक बायोलॉजिकल कीटनाशक है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा आंत का क्षारीय पीएच, इंसेक्ट के आंत का क्षारीय पीएच, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 82, एक वेक्टर का उपयोग करके नेमेटोड विशिष्ट जीन को तंबाकू में जवान पौधे में पेश किया गया था। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द टोबैको होस्ट प्लांट यूजिंग अ वेक्टर, ऑप्शन ए PBR322, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, और ऑप्शन नंबर डी एग्रोबैक्टीरियम। तो जो ये सभी है, ये सभी वेक्टर हैं, PBR322 भी वेक्टर है, प्लाज्मिड भी है, बैक्टीरियोफेज भी, और एग्रोबैक्टीरियम। लेकिन जो तंबाकू का पौधा है उसमें नेमेटोड जो एक कीट होता है, नेमेटोड संघ के जो जीव हैं उनको हटाने के लिए उस तंबाकू के पौधे में जिस वेक्टर का उपयोग किया गया था उस वेक्टर का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। तो तंबाकू में से नेमेटोड को हटाने के लिए एग्रोबैक्टीरियम नामक वेक्टर का उपयोग किया गया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी एग्रोबैक्टीरियम। और वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर डीएनए का एक सेगमेंट होता है, एक टुकड़ा होता है, एक खंड होता है, जो डीएनए सीक्वेंस या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोई नई कोशिका में ले जाता है। डीएनए सीक्वेंस को भी ले जाएगा और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाएगा, नई सेल्स में ले जाता है, जो हम चाहते हैं, जो हम जेनेटिक मटेरियल डालना चाहते हैं किसी भी अनदर सेल में, उसका उसको ले जाता है वेक्टर। उसका काम ये होता है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एग्रोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 83, किसके उपयोग से जीन को शांत किया जा सकता है? साइलेंसिंग ऑफ अ जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज़ ऑफ, ऑप्शन ए RNA ओनली केवल RNA, ऑप्शन बी केवल एंटीसेंस RNA, ऑप्शन सी RNA और एंटीसेंस दोनों के उपयोग से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जीन साइलेंसिंग क्या होती है कि एक कोशिका में जीन अभिव्यक्ति का विनियमन है। किसी सेल में जो जीन एक्सप्रेशन होता है ना, उसका जो रेगुलेशन करता है उसको कहते हैं जीन साइलेंसिंग। इसके द्वारा एक निश्चित जीन की अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। हमें कोई जीन का एक्सप्रेशन है उसको रोकना है, तो इसके लिए हम जीन साइलेंसिंग करते हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए। तो किसके उपयोग से होता है? तो वो होता है RNA और एंटीसेंस दोनों के उपयोग से हम जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी RNA एंड एंटीसेंस बोथ। क्वेश्चन नंबर 84, कुस्कुटा एक उदाहरण है। कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए बाह्य परिजीवीवाद एक्टोपैराटिज्म, ऑप्शन नंबर बी ब्रूट परिजीविता ब्रूट पैरासिटिज्म, ऑप्शन नंबर सी परभक्षिता प्रीडेशन, ऑप्शन नंबर डी अंतः परजीवी एंडो पैरासिटिज्म। तो कस्कुटा जो है वो एक पैरासाइट होता है
जो कि एक्टोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, बाह्य परजीवीवाद का एग्जाम्पल होता है। कसकुटा एक पौधा होता है जो किसी दूसरे पौधे के स्टेम यानी तनों पर उपस्थित होता है, परजीवी होता है। कसकुटा को ही हम अमरबेल कहते हैं, और ये दूसरे पौधों के तनों पर खाने के लिए निर्भर रहता है, अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, क्योंकि कसकुटा अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है जिसके द्वारा ये अपना भोजन नहीं बना सकता है। इसके लिए ही ये अन्य पौधों के तनों पर उपस्थित होता है ताकि वे उनसे भोजन ग्रहण कर सके। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कसकुटा एक बाह्य परजीवीवाद एक्टोपैरासिटिज्म है। क्वेश्चन नंबर 85, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। ए है रिंग वॉर्म। तो जो रिंग वॉर्म है, रिंग वॉर्म जो बीमारी है वो होती है ट्राइकोफाइटन नामक फंगी के कारण। रिंग वॉर्म में वो होती है ट्राइकोफाइटन फंगी के कारण। और जो फिलियरिसिस है वो होती है वूचेरिया बेनक्रॉफ्टाई के कारण। और जो मलेरिया है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण। और जो न्यूमोनिया है वो होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण। तो जो करेक्ट इसका जो जोड़ा बन रहा है वो बन रहा है ए का थर्ड, ए का थर्ड बन रहा है। बी का, सॉरी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 को देखें अगर हम, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिका में, ये साफ नहीं दिख रहा है कुछ, इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय साइक्लोस्केलेटन इन अ सेल। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर डिवीजन, नाभिकीय विभाजन। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी मोटिलिटी, गतिशीलता। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। जो साइक्लोस्केलेटन है उसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारी सेल में? तो उसका काम होता है कि मोटिलिटी, गतिशीलता का काम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिशीलता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्ट ऑफ फाइलम। किस संघ के वयस्कों में अर्य सममिति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए टीनोफोरा, ऑप्शन नंबर बी हेमिकॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर सी सिलेंट्रेटा और ऑप्शन नंबर डी इकाइनोडर्मेटा। तो जो रेडियल सिमेट्री हो है वो क्या होती है कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली रेखा जब किसी जीव के शरीर को दो समान भागों में बांट देती है तो वो रेडियल सिमेट्री होती है। यानी कि सेंट्रल एक्सिस से हम कोई रेखा डालेंगे और जीव का शरीर दो भागों में बंट जाएगा, ना केवल लेफ्ट और राइट बल्कि और अदर पार्ट, ऊपर नीचे, मतलब दो भागों में बंटना चाहिए शरीर, तो वो रेडियल सिमेट्री होता है। और जो बायलेटरल सिमेट्री होता है उसमें सेंट्रल एक्सिस से अगर हम लाइन डालें तो बॉडी लेफ्ट और राइट दो पार्ट में सेम विभाजित होनी चाहिए, सेम। तो जैसा ह्यूमन, ह्यूमन में भी बायलेटरल एक्सिस होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। अगर हम बीच से काटें तो हमारे एक पोर्शन राइट और एक लेफ्ट हो जाएगा जो कि बराबर होगा, सेम होगा। तो रेडियल जो सिमेट्री है वो हेमिकॉर्डेटा के अडल्ट्स में नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हेमिकॉर्डेटा। टीनोफोरा में भी पाई जाती है, सिलेंट्रेट्स में भी पाई जाती है और इकाइनोडर्मेटा में भी पाई जाती है, लेकिन जो अडल्ट्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88, फेफड़ों की जैव क्षमता है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज। ऑप्शन नंबर ए IRV प्लस ERV, ऑप्शन नंबर बी IRV प्लस ERV प्लस TV प्लस RV, ऑप्शन नंबर सी IRV प्लस ERV प्लस TV माइनस RV, ऑप्शन नंबर डी IRV प्लस ERV प्लस TV। तो जो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग है, फेफड़ों की जो जैव क्षमता है वो होती है
वी सी इज इक्वल टू ई आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस टी वी के बराबर होती है। आई आर वी यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ई आर वी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टी वी यानी कि टाइडल वॉल्यूम, इन सभी के बराबर। इन सभी को प्लस करेंगे अगर हम तो हमारे वाइटल कैपेसिटी निकलेगा, हम लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है वो निकलेगी टी वी प्लस ई आर वी प्लस आई आर वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस टी वी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कौन सी विशिष्टताएँ एकमात्र स्तनधारियों की है? द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ऑप्शन ए हेयर्स, लिम्फेटिक मेम्ब्रेन एंड मेमेरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी हेयर्स पिन्ना एंड मेमेरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर सी हेयर्स पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी पिन्ना मोनोकोंडाइलिक स्कल एंड मेमेरी ग्लैंड। तो जो स्तनधारियों की विशेषता है, मेमेलियन कैरेक्टर है, यूनिक सिर्फ मेमेलियन के कैरेक्टर हैं, वो है हेयर्स पिन्ना और मेमेरी ग्लैंड बाल। पिन्ना यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल ईयर्स हैं उनको पिन्ना कहते हैं। तो ये हमारी जो विशेषताएं हैं वो सिर्फ मेमेलियन के विशेषताएं हैं, स्तनधारियों की एक विशेषता है। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेयर्स पिन्ना एंड मेमेरी ग्लैंड्स आर यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। किससे पीड़ित व्यक्ति में एक पाम क्रिज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है? ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रिज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी टर्नन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी थैलेसीमिया। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है इसी को हम सीमियन क्रीज भी कहते हैं। उसमें इससे पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी जो ब्रॉड पाम क्रीज के साथ चौड़ी हथेली भी देखी जाती है। ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीजेस इज विजिबल इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम कहाँ होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21, ट्राइसोमी हो जाती है, जो हमारा 21वां गुणसूत्र होता है उस पर ट्राइसोमी हो जाती है। यानी हमारे पास टोटल गुणसूत्र होते हैं 46 और इसकी जगह 21वें गुणसूत्र पर अगर ट्राइसोमी हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, तो उसके कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और टोटल गुणसूत्र होते हैं वो 47 हो जाते हैं। तो इसके कारण ही किसी भी व्यक्ति की पाम क्रेज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है, जो इससे पीड़ित व्यक्ति होंगे डाउन सिंड्रोम से। और जो डाउन सिंड्रोम में उसमें उसके रोगी की संख्या है वो पुरुषों में ज़्यादा होती है, फीमेल से दुगनी होती है पुरुषों में डाउन सिंड्रोम की मात्रा। अगर हम रोगियों की बात करें तो पुरुष ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स कम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। वह कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक है? विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के फिजन के लिए आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो होता है मैग्नीज। जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान शीतल इथेनॉल किसे अवक्षेपित करता है? ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट, ऑप्शन नंबर ए आरएनए, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोन और ऑप्शन नंबर डी पॉलीसेकेराइड। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया के दौरान, शुद्धिकरण की प्रोसेस के दौरान जो चिल्ड इथेनॉल होता है वो डीएनए को ही प्रेसिपिटेट कर देता है। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 93। फेबेसी कुल सोलेनेसी और लिलिएसी से भिन्न है। पुंकेश्वर के संदर्भ में फेबेसी के उन लक्षणों को चुनिए जो सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं पाए जाते हैं।
फैमिली फेबेसी डिफर्स फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमेंस पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी और लिलिएसी. ऑप्शन नंबर ए डायाडेल्फस एंड डाइथीसिस एंथर. ऑप्शन नंबर बी पॉलीएडेल्फस एंड एपिपेटलस स्टेमेंस. ऑप्शन नंबर सी मोनोएडेल्फस एंड मोनोथीसियस एंथर. ऑप्शन नंबर डी एपिफाइलस एंड डाइथीसिस एंथर. तो जो फेबेसी फैमिली है उसके जो स्टेमेन है वो आमतौर पर तो दो समूहों में व्यवस्थित होते हैं. वो होते हैं डाइएडेल्फस में व्यवस्थित होते हैं और जो प्रत्येक जो स्टेमेन होता है उसमें पराग कोश में दो अलग अलग कक्ष या चैम्बर होते हैं जिन्हें डाइथीसिस कहते हैं. तो जो ये सिस्टम है वो सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं होता है. जो डाइएडेल्फस और डाइथीसिस जो एंथर का कॉन्सेप्ट है वो लिलिएसी और सोलेनेसी कुल के पौधों में नहीं दिखाई देता है. ये केवल फेबेसी परिवार के पुंकेसरों में दिखाई देता है. तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए द्विशंगी और द्विकोष्ठी पराग कोश. ये फेबेसी परिवार के लक्षण हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94. निम्नलिखित में से विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट से युग्म पहचानिए. आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम एंड सिलिजुनेला. ऑप्शन नंबर बी सिलिजुनेला और साल्विनिया. ऑप्शन नंबर सी साइलोटम और सेल्विनिया. ऑप्शन नंबर डी इक्विस्टम एंड सेल्विनिया. तो ये सब जो हैं वो टेरिडोफाइट के एग्जांपल्स हैं. तो ये पूछ रहा है कि किन में हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं. हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं? तो हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि ये दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बीजाणु को उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. इनमें से कौन से एग्जाम्पल है जो दो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं? तो जो सिलिजुनेला और सेल्विनिया है वो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं. इसके अलावा जो और सब हैं वो हैं लाइकोपोडियम साइलोटम इक्विस्टम. ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं. लेकिन सिलिजुनेला और सेल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जांपल हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिजुनेला एंड सेल्विनिया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95. सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता है क्योंकि. सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज. ऑप्शन नंबर ए यह एक डाइसैकेराइड है. इट इज़ अ डाइसैकेराइड. बी यह एक कुंडलीकृत अणु है. इट इज़ अ हेलिकल मॉलिक्यूल. ऑप्शन सी इसमें जटिल कुंडली नहीं होती है अतः आयोडीन अणु को पकड़कर नहीं रख सकता है. इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड हैंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल. ऑप्शन नंबर डी आयोडीन से अभिक्रिया करने पर यह विखंडित हो जाता है. तो सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू कलर नहीं देता है क्योंकि सेलुलोज में हेलिक्स क्योंकि इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स इसमें जटिल कुंडली नहीं होती है और जो आयोडीन अणु को पकड़कर नहीं रख सकता है. तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96. वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किससे नापा जाता है? तो ओजोन की जो मोटाई है उसको किस यूनिट से नापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉब्सन यूनिट. ऑप्शन नंबर बी डेसिबल. ऑप्शन नंबर सी डेकामीटर. ऑप्शन नंबर सी किलोबेस. तो जो ओजोन परत की मोटाई है उसको नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो होती है डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन इकाई. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डॉब्सन यूनिट. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97. उत्तक संवर्धन प्रयोग में पर्ण मध्योत्तक कोशिकाओं को एक संवर्धन पोषी माध्यम से कैलस बनने के लिए रखा गया. इस घटना को क्या कहा जाता है? इन टिश्यू एक्सपेरिमेंट लीफ मीजोफाइल सेल्स आर पुट इन कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस. दिस फिनोमिनन मे बी कॉल्ड एज. ऑप्शन ए डिफरेंशिएशन विभेदन. ऑप्शन बी डी डिफरेंशिएशन निर्विभेदन. ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट परिवर्धन. ऑप्शन नंबर डी सेंसेशन जरावस्था.
तो जो उत्तक संवर्धन एक्सपेरिमेंट में मीजोफाइल सेल्स से एक संवर्धन पोषी माध्यम में कल्चरल मीडियम से कैलस बनने के लिए रखा जाता है, तो इस प्रोसेस को हम विभेदन या डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफ्रेंशिएशन विभेदन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। स्तंभीय बीजांडन्यास किस में देखा जा सकता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड, कुकुम्बर एंड प्रिमरोज, सरसों, खीरा और प्रिमरोज में, ऑप्शन नंबर बी चाइना रोज, बीन्स एंड ल्यूपिन में, ऑप्शन सी टोमेटो, डाइएंथस और पी में, मटर में, ऑप्शन नंबर डी चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है स्तंभ बीजांडन्यास है वो देखा जाता है, एक तो चाइना रोज में भी देखा जाता है, गुड़हल में भी देखा जाता है, पिटूनिया में भी देखा जाता है और लेमन में भी देखा जाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चाइना रोज, पिटूनिया और लेमन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका विश्वसनीय प्रमाण का प्रस्ताव किसने दिया था? अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, ऑप्शन ए फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ऑप्शन बी अल्फ्रेड हर्शे और मार्था जेस, ऑप्शन सी एवरी मैक्लॉयड और मैकार्थी, ऑप्शन नंबर डी विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका सर्वप्रथम विश्वसनीय प्रमाण जो दिया था वो दिया था 1952 में हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने कहा था कि डीएनए प्रोटीन नहीं है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, अगली पीढ़ी में प्रोटीन नहीं जाता है, हमारे पास अगली पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जाता है। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए प्रोटीन नहीं है। तो इसका सबसे पहले विश्वसनीय प्रमाण दिया था अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेज ने 1952 में। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का वो होगा क्वेश्चन नंबर 100 कि अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था फर्स्ट की किस प्रावस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएँ दिखाई देने लगती है? द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस, ऑप्शन ए जाइगोटिन, ऑप्शन बी पैकेटिन, ऑप्शन नंबर सी डिप्लोटिन, ऑप्शन नंबर सी डाइकाइनेसिस। तो अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था फर्स्ट की जो पैकेटिन प्रावस्था होती है उसमें पुनर्योजन ग्रंथिकाएँ दिखाई देने लगती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखाई देने लगती है, वो होती है पैकेटिन प्रावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पैकेटिन स्थूल पट प्रावस्था। तो ये थे हमारे पास 100 क्वेश्चन बीएससी पैरामेडिकल के, उत्तराखंड बीएससी पैरामेडिकल के 100 क्वेश्चन 2024 के। तो इसी प्रकार से हम आने वाले पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, आगे आने वाले पेपर्स को भी सॉल्व करवाएंगे, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।